बने रहे अब मैं पहले शमूलियत का ऐलान एक बहुत ही अच्छा होता अगर वो, वो मुझसे खुदादार जाता तो इस तो मुल्क में से अच्छे अच्छे बसमिल रहीम वालेकुम वेलकम टू इन सेशन मैं हूं आसमा चौधरी नाजरी आज भी पाकिस्तान की सियासत का एक भरपूर दिन था जावेद हाशमी जिनका एक दरीना ताल्लुक रहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और आज उन्होंने अलविदा कह दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और खुद को सपोर्ट कर दिया इमरान खान के सोनामी के जी हाँ बात करें आज की सियासत में होने वाली हलचल के हवाले से लेकिन कुछ अगर जब बात करते हैं सियासी कल के दोस्तों की और जब वो अपने दोस्तों को अलविदा करते हुए कुछ इस तरह के रिमार्क्स देते हैं तो लगता कुछ ऐसे सियासत के सीने में वाकई दिल नहीं हम बात करते हैं चौधरी निसार अली खान साहब की जो कहते हैं कि इस नून लीग में किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं लेकिन हैं जावेद हाशमी साहब का उनका जब जिक्र आया नवाज शरीफ साहब के सामने तो उन्होंने थोड़ा सा उनसे यह गिला किया कि अच्छा होता वो उनको हाफिज कहकर जाते और साथ ही एक शेर भी पढ़ दिया शेर क्या था सुनते हैं और फाकों के हाथों मरते रहे झुकने वालों ने रिफते पाई हम खुद ही को बुलंद करते रहे दूसरी जाने मौके से फायदा उठाते हुए बाबर अवान भी कुछ पीछे दिखाई नहीं देते और उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब पे तानाजनी करना शुरू कर दिया। इसी खातिर तो कतले आशिका से मना करते थे अकेले फिर रहे हो उसमें बेकारवा होकर जी नाजीन बात हो रही है इमरान खान की जो अपनी पूरी के साथ एक नई तहरीक शुरू करने जा रहे हैं और कल 25 दिसंबर का जलसा जिसमें वो ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा इंकलाब आएगा नए पाकिस्तान की बुनियाद रख रहे हैं और दूसरे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक नजरियाती जंग शुरू हो चुकी है पाकिस्तान की सियासी जमातों के दरमियान लोगों को समझ आए या ना आए एक है नजरियाती शुरू हो गई है जंग पाकिस्तान में तो अगर परफॉर्मेंस नहीं दी मैं खुद ही जाऊंगा। जी नाजीन बात हो रही है पच्चीस दिसंबर के जलसे और खसूस जावेद हाशमी साहब की तरीके इंसाफ में शमूलियत वो एक अहम रहनु है जिन्होंने नवाज शरीफ की जलावतनी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिस तरीके से संभाला और इस जमात को परवेज मुशरफ के सपुर्द नहीं होने दिया और आमिर के सामने जिस तरीके से मुकाबला किया उसकी मिसाल कमी मिलती और यही वजह है कि जब जावेद हाशमी आज तहरीक इंसाफ में जब शामिल होते हैं तो उन पे उभर तो रही है एक तीसरीवत इसको कहा जा रहा है और क्या आने वाले दिनों में कोई करिश्मा दिखा पाएगी पाकिस्तान की सियासत में और तब्दीली तब्दीली का नारा और जो नए पाकिस्तान की बुनियाद रखने जा रहे हैं क्या इससे वाकई तब्दीली आएगी इस पर बात करेंगे एक मुख्तर से ब्रेक के बाद जी नाजीम ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद हैं बात होगी इमरान खान के सोनामी की और इन किस जाने पाकिस्तान को ले जाएगा और 25 दिसंबर को जलसा होगा क्या नए वाकई एक पाकिस्तान की बुनियाद रखेगा और जावेद हाशमी साहब का ऐसा क्या हुआ कि वो नून लीग से खफा होकर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए और उनको इमरान खान का नजरिया इतना पसंद आया कि वो अपनी जमात को छोड़ के तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और उनके दोस्तों ने भी जैसे उनके बारे में कहा कि आने जाने से किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इमरान खान का ये कहना है कि नजरियाती लोग इंसाफ में शामिल हो रहे हैं इसी पर हम बात करेंगे कि दीगर सियासदान पर क्या कहते हैं मियाँ महमूद रशीद साहब हमें ज्वाइन करेंगे कराची से पाकिस्तान पास्तान इंसाफ के सदीकुल फारूक हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामा से सीनियर रनु पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे रुकन पंजाब इसम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन साहब का तालुक है।, है आप सबको डिस्कशन में वेलकम करते हैं सदीकुल फारूक साहब आपसे आगाज करते हैं आपके दरीना साथी जावेद हाशमी साहब आज आप लोगों को अलवि कहकर तरीके इंसाफ में शामिल होंगे ऐसा क्या हुआ मिया साहब उनको मनाने के लिए क्यों नहीं आए कल हमने देखा आपकी लीडरशिप तो वहां मौजूद थी लेकिन मिया साहब ने रात को इतना भी गवार ना किया कि वो जावेद हाशमी से चले आखिरी मुलाकात कर लेते लेकिन वो खुद गिला कर रहे हैं कि वो उनको खुदाफिज कहने नहीं आए आसमान बहरहाल जावेद हाशमी साहब की इज़्ज़त भी है क़दर भी है वो स्टूडेंट लीडर थे मैं भी यहाँ अलहमदल स्टूडेंट लीडर था और जोल्फ़ार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ यहाँ रावलपिंडी में मैंने सेवनटी सेवन में पहला जुलूस भी निकाला और उसके बाद मैंने उनके साथ जब वो कायम मकाम सदर थे तो चार साल बतौर सेक्रटरी इतलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काम भी किया है आ, उन, वो उन अपने मामला तय करने का हर शहरी को हक है तो जावेद हाशमी साहब को भी हक है लेकिन अभी बीस नवंबर को फैसलाबाद के जलसे में उन्होंने खिताब किया नवाज शरीफ साहब को उन्होंने खुद नामिनेट किया सदारत के लिए और फिर वहाँ भी तकरीर की और फिर वो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए मुझे ये मालूम नहीं है कि इन इकतीस दिनों में बीस नवंबर से आप तक गिन लें कि वो क्या बात जो है सामने आई ले, लेकिन ये चीज ले तो रिकॉर्ड पे सदीकुल फारूक साहब उनके साथ पार्टी में एक सौ तेला ताल्लुक तो रखा गया एक सौ तेला सलूक उसके रखा, उसके रखा, उसके रखा गया जा, जावेद हाशमी साहब के जो हल्के के लोग हैं उन्होंने शिकायत की उनके काम नहीं होते थे जावेद हाशमी जिस इज्जत जिस रुतबे के होना था उनको रुतबा देना चाहिए था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनको नहीं दिया ये मीडिया भी ये कह रहा है नहीं उनको ये रुतबा दिया मैं इस सिलसिले में यह अर्ज करूंगा कि वो ज़ाहिर कायम मकाम सदर नवाशी साहब ने उन्हें बनाया फिर उसके के बाद वो एआरडी की पार्लिमानी पार्टी के जो थे वो लीडर भी बने आ, वो उस वक्त बने उनकी ये ख्वाहिश थी अपोजिशन लीडर कौन बना बना उनकी ये ख्वाहिश सर अपोजिशन लीडर कौन मैं बना? कर रहा हूं ना उनकी ये ख्वाहिश थी कि उन्हें अपोजिशन लीडर बनाया जाए ठीक है मैं ये समझता हूं जितना अरसा मैंने उनके साथ काम किया और मैं खुदा लगती बात कहता हूं आप भी जानती हैं जो लोग मुझे सुन रहे हैं जो जानते हैं कि मैं लगी लिपटी बात कभी करता नहीं ना मैं किसी से खुदा के फल से डरता हूँ ना मैं झूठ बोलता हूँ ना मैं, ना मैंने कभी जो बात मैंने कहनी है वो नवाज शरीफ साहबों को मैंने कहनी है इसलिए मैं ये कहूँ मैंने उनके साथ काम किया है लीडर ऑफ दी अपोजिशन के मनसब के तकाजे और नजाकतें मैं समझता हूँ जावेद आशमी जो एक एजिटेटर थे, थे और एजिटेटर हैं और उन्होंने खुद ये बांगे दौल वो कहते थे कि मैं तंजीम का आदमी नहीं हूँ नहीं। वो मेरे ख्याल आप 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 में, किस -किस में हमारा रवैया बादशाह तो जैसा नहीं है तो बादशाह रायर रूट रही है ये तो जावेद हाशमी साहब को मस्जिद फारूक को मानना चाहिए की वो लोग जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए नौ नौ सोल जेल काटी आज वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को वो छोड़ रहे हैं तो मेरे ख्याल में इन्होंने अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए और जहाँ तक जावेद हाशमी साहब को मैं समझता हूँ इनको वो हमारे लिए एक गाइडिंग स्टार हैं उन्होंने जिस तरह आमरीत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने नौ साल जब मियाँ साहब वगैरह यहाँ नहीं थे अगर आज मुस्लिम लीग में का नाम है तो शायद जावेद हाशमी जैसे कारकुनों की वजह से है तो आज इनका जो रवैया मियाँ साहबान का अपने एम पी एस के साथ है चूंकि हम हमेशा कहते थे ये वन मैन शो की सियासत करते हैं इनका अपने एम पी एज़ एम एन एज़ के साथ तो सलू किया कि दो दो साल से उनके साथ मुलाकात भी नहीं है चूंकि हम भी इनके साथ तीन साल हुकूमत में रहे हैं तो ये इनका रवैया तो बिल्कुल ऐसा ही था तो ये मियाँ साहब ने जिस तरह उन लोगों को नवाज़ा जो उस वक्त मियाँ परवेज मुशर्रफ़ के साथ बी टीम के तौर पर काम करते रहे अगर आप उन्हीं को उदों से नवाजेंगे तो महल में, में जावेद जावेदी साहब को ये क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि वो एक पोलिटिकल वर्कर है और हमारे पोलिटिकल जो वर्कर हैं उनके लिए एक बहुत बड़े मशले रहा है जहां तक सुनामी की और बात और एक नजरियाती हाँ, नजरियाती इंसान है नजरिया लेकिन आप ये बता दें आपकी आपकी जमात की, आप की, की तरफ सुनामी ये बढ़ेगा लोगों में से भी किसी को बहा के लेके जाएगा आपकी जमात ऐसी आप जहां तक सुनामी की बात करती हैं तो पहला आदमी है जो मेरा ख्याल में स्टेबलिशमेंट की वजह से जिसने ज्वाइन नहीं किया इमरान खान को बाकी जितने लोग हैं ये वो ही है पहले मियां नवाज शरीफ साहब की स्टैब्लिशमेंट में सियासी अदाकारी उनको सिखाई गई उनके वो तो किरदार है मतलब ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जो जमात है वो सुने, सुने, की जमात है फिर इसका मतलब मैं, ये हुआ बिल्कुल बिल्कुल मैं यही बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान के साथ अभी वो उड़े नहीं थे उनके साथ हाथ हो गया है उनको ये समझना चाहिए कि ये क्रिकेट नहीं ये सियासत है बड़ा जान जोखों का खेल है उनके साथ तो वही लोग हैं जो हर हुत में रहे और उनको साथ जोड़ा जा रहा है तो मैं समझता हूँ मियाँ इमरान खान को थोड़ा सा वो एक वो कहते हैं ना कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा बानवती का कुंबा जोड़ा तो इमरान खान से जो तब्दीली की तो कर रहे थे जो इनकलाब की अभी आएगी आप आएगी क्या ये पूछ लेती हूँ ठीक ठीक आप आप ये आप भी ये कह रहे हैं कि स्टैब्लिशमेंट का एक ठप्पा जो उन पर लग गया और जो फसली बटेरे जहां जहां से उठ के जो जिनका माजी जिस तरीके से था चाहे कभी परवेज मशरफ के साथ थे पीपल्स पार्टी के साथ थे जयाल हक हाँ के साथ थे नून लीग के साथ थे वो अब इमरान खान के जो है वहां पर आकर बैठ गए मिया महमूद रशीद साहब आप की जमात पर देखें इल्जाम तो भारत लग रहा है जो लोग जिस पार्टी से जिसको किसी ने डिसऑन किया उसने आपको ज्वाइन किया सिवाय जावेद हाशमी की जात को हम एक तरफ रखेंगे उनकी जात पे हम भी कम अज कम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो ऐसे थे वो नजरियाती इंसान है भारत पर ये तो एक हकीकत है, लेकिन जो बाकी लोग आपके साथ शामिल हो रहे हैं उन पर एक कुछ ना कुछ पॉइंट्स उठते हैं हर तरफ से उंगलियां जरूर उठती हैं और फिर यही कहा जाता है, है। आसमा देखिए मैं ये समझता हूं कि ये एक झूठा इल्जाम है इमरान खान पिछले पंद्रह साल से मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं और इस मुल्क के लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पे हर पार्टी के लोग जो हैं वो इस तरफ आ रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के मैं नहीं समझता कि ये किस तरह कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की पुषपनाई से ये सारा कुछ हो रहा है जावेद हाशमी जो है वो एक रोशनी का मीनार है और एंटी एस्टेब्लिशमेंट उनकी जद्दोजहद सारी कौम के सामने है और फिर जो दूसरे लोग भी शामिल हुए हैं उसमें से ये कह देना पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी के वो वजीर खारजा थे एक रिस्पेक्टेबल आदमी है साफ सुथरे आदमी है और उन्होंने रिजाइन करके असेंबली से उसके बाद पीटीआई को ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के असगर चौधरी लाहौर के सदर हैं नजरियाती आदमी है कोई उनके ऊपर इस तरह का स्पॉट नहीं है करामत अली खोखर जो पीपल्स पार्टी लाहौर का एक बड़ा पिलर थे आप, आप जिन्होंने लाहौर शहर में छत्तीस हजार मैं ये कह रहा हूं तेरीके इंसाफ में शाह महमूद कुरेशी जावेद हाशमी इकट्ठे रह पाएंगे आपने नाम गिनवाए तो चले मैंने भी ये यह यहां पे क्यों, नहीं रहा रहा क्यों नहीं रह पाएंगे क्यों नहीं रह पाएंगे ये सारे अच्छा। लोग इस इन हालात से जो मुल्क के हालात बन चुके हैं इससे तंग हैं और वो तब्दीली चाहते हैं वो उम्मीद देख रहे हैं कि इमरान खान वो वाद कौमी रहनुमा है जो एक लीडर के तौर पर एमर्ज कर गए हैं और जो उनकी एक लहर है उनकी सपोर्ट की वो अब ट्रांसलेट हो चुकी है इसलिए मैं ये समझता हूं कि हर वो फर्द और वो सियासी कारकुन और रहनुमा जो मौजूदा जो स्टेटस को की पार्टियां हैं जो आपस में मिली हुई हैं मैं ये समझता हूँ और तीन साल तक इन्होंने आपस में नूरा कुश्ती की है कौम को डिलीवर नहीं किया अब ये तीन साल तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग एन जो 63 परसेंट है पंजाब उसके अंदर मिलकर हुकूमत करती रहती हैं कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है फ्रेंडली अपोजिशन के तौर पे तीन साल तक ये पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को अपने साथ इकतदार में शामिल करके यहां बैठे रहे हैं मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया अदारे तबाह हो गया महंगाई का सैलाब आ गया बिजली नहीं, लेक, नहीं है लोड शेडिंग नहीं है नहीं मैं देखिए मैं ये वैक्यूम एक बनाना ठीक ये वैक्यूम लोगों ने उसकी वजह से इमरान खान को मौका मिला और इमरान खान ने आज दिल की बात की जी ठीक लेकिन ये मुझे बता दें जैसे आज चेयरमैन जो है तरीके इंसाफ इमरान खान एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए जावेद हाशमी साहब को वाइस चेयरमैन साहब क्यों नहीं गए जो कि शाह महमूद कुरेशी साहब हैं हाशमी साहब को रिसीव करने क्यों नहीं गए एयरपोर्ट पे और दूसरी जाने चौधरी निशान साहब कहते हैं कि जी निशा महमूद कुरैशी ने हाशमी साहब की वजह से नून लीग ज्वाइन नहीं की थी जी नहीं ये नहीं कोई भी वजह और शाह महमूद कुरैशी एक इंपॉर्टेंट टास्क था एक मीटिंग में मसरूफ थे जब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और वहां जावेद आशमी पहुंचे हैं शाह महमूद कुरैशी ने उन्हें वहां वेलकम किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठे बैठ अच्छा। के की है जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने साथ बैठकर उन्हें वेलकम कहा है और जावेद हाशमी ने जिसमें शमूलियत का ऐलान किया है चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोनों वहां बैठे थे दरमियान में जावेद हाशमी बैठे थे पूरी कौम ने देखा मैं ये समझता हूं कि ये एक लेम एक्सक्यूज है इन दोनों पार्टियों को अब यह समझ जाना चाहिए कि इस मुल्क के पूरे तूलो अर्ज में अब इमरान खान एक हकीकत बन चुके हैं और लोग इनकी तरफ देख रहे हैं कि इस मुल्क सदीकुल फारूक साहब सदीकुल फारूक साहब के बारे में ये कहा जा रहा है की तब्दीली आ रही है इमरान खान ये कह रहे हैं तब्दीली ला रहे हैं पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि रियाया जो है आपकी बादशाह सलामत को छोड़ छोड़कर जा रही है आपकी जमात से लोग जा रहे हैं उधर से जा रहे हैं जो लोग तो ये अब होगा क्या क्या अब इमरान खान एक थर्ड फोर्स जिसको कहा जा रहा है वो बन के उभर रहा है लेकिन अब आपका क्या होगा नून लीग का क्या होगा सदरन पंजाब तो लग रहा अब आपके हाथ से गया सारे का सारा आसमा एक वैक्यूम की बात जो महमूद महमूदुर रशीद साहब ने की है यह बात इनकी दुरुस्त है इस पर मैं बात करूंगा लेकिन महमूद महमूदुर रशीद साहब तो खुद मुस्लिम लीग नून में शामिल होने की फाइनल तैयारियां हो चुकी थी और ये शामिल हो रहे थे कि हमारे कारकुन का कार मैं मैं दूंगा जी आप मुझे मौका दीजिएगा मैं इनकी जात अच्छा। के हवाले से इससे ज्यादा नहीं कहूंगा अगर आप बात की तो मैं भी कहूंगा लेकिन मुदाखलत ना करें ताकि ये अच्छी तरह से बात हो जाए जी ठीक है तो फिर बहुत से लोगों ने हमारे कारकुनों ने कहा कि नहीं तो फिर इनको शामिल ना किया गया लेकिन वैक्यूम की बात दुरुस्त है पार्टियाँ जो हैं बिल्कुल कोई फरिश्तों की पार्टियाँ नहीं हैं पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली उन्होंने काम नहीं किया करप्शन बढ़ी इनफिशेंसी थी और नाअहली है और इदारों के साथ तस्दम है वगैरह वगैरह इसी तरह से मुस्लिम लीग नून ने जितनी भी खिदमत की हो वो एक इल्ज़ाम है जी कि पंजाब में वो दूध और शहद की नहरें नहीं बही हालांकि सब सूबों से बेहतर गवर्नेंस यहाँ साहब के तो हल्के में एक एस एच ओ भी उनकी से कभी नहीं लगा था पार्टी के अंदर भी जो है कुछ मामला हैं होते हैं।, हैं लेकिन पार्टी उनकी करूँ इसमें कोई शक नहीं कि एक वैक्यूम पैदा हुआ वैक्यूम है और उसमें मीडिया का एक किरदार है जिन्होंने कहा जी इन दोनों को आजमाया मुस्लिम लीग नवाज शरीफ आए नाइन्टी में तो जितनी असलाहत की उनको गुलाम शाह खान ने और उस वक्त बेनजीर ने मिलकर तबाह किया फिर उसके बाद दोबारा 97 में जो आसमान आज एक के दौर में तो तो दें मुझे चंद सेकेंड दे दें फिर मैं आपकी फिर 97 में गैर मुल्की डिक्टेशन अमरीकी मुस्तरद की फिर असलाहात की फिर सेंक्शन का मुकाबला किया अच्छा लेकिन फिर फिर परवेज मुशर्रफ आ गया तो ये बात जो है कि दोनों दफा मुकम्मल ना करने दिया गया दौरे हुकूमत और अमल इसके बावजूद अगर क्रेडिबिलिटी इसलाहत के हवाले से है तो वो नवाज शरीफ किया है लेकिन नवाज शरीफ किया है लेकिन आज जो चार साल आपको भी मिले पंजाब में और आपने भी खुद ही कहा कि दूध और शहद की नहरें तो वहां पर नहीं बही आज मिया साहब क्यों कह रहे हैं कि जब यूनिवर्सिटी में खड़े होकर खताब कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि नौजवानों को वरगलाया जा रहा है तो अगर पॉपुलैरिटी आपकी थी तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं महसूस होनी चाहिए थी कि वरगलाया जा रहा है जो आदमी इकतदार में नहीं रहा जिसका कोई स्टेक नहीं है वो कोई भी नारा लगा सकता है उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़े मकान का नारा लगाया रोटी कपड़ा मकान तो ना मिला अब भी पीपल्स पार्टी ने मंशूर रोटी कपड़े मकान का दिया नारा अब इमरान खान के पास एक उनके पास यानी है मौका कि वो जो भी इस वक्त नारा लगाए वो लगा सकते हैं डिलीवर उन्होंने किया नहीं है वो जो वादे साहब साहब ऐसा क्या हुआ आप देखें आप लोग डिलीवर नहीं कर पाए नून लीग डिलीवर नहीं कर पाई और एक फोर्स सामने आ गई और लोग उसको ज्वाइन जो करते जा रहे हैं धड़ाधड़ उसमें जा रहे हैं तो ये अब आप दोनों का जो दोनों सियासी जमाते हैं पीपल्स पार्टी की बात करें पी एम एन की बात करें आप दोनों सियासी जमातों का मुस्तबिल अगर आपको साइड पे होता हुआ दिखाई दे रहा है कि तीसरी कुत आके आप क्यों कर रही है इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला दूसरी जमातों से मत करें हमारे साथ तो हमेशा हुआ है कभी नौ हमारे खिलाफ बने हैं, कभी आईजे बनी है कभी एपीडीएम बना है तो हमेशा से पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है शहीद भुट्टो के बाद एक ही सियासत रही है एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट, भुट्टो और एंटी भुट्टो और आज भी आप देख लीजिएगा अब वक्त बहुत करीब है कि पहले तो मियाँ नवाज शरीफ साहब इमरान खान को कहते हैं कि हमसे सीटें ले ले मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द मियाँ नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के पास जाएंगे कि हमें बताएं कितनी सीटें अच्छा। देते और हम आपके साथ मिल जाएं और ये सब लोग मिलकर मतलब इनकी एडजस्टमेंट हो जाए दोनों नजर आ रहे हैं सुन ले और मैं ये समझता हूं कि हमारा अगला मुकाबला जो होगा वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान होगा और ये सब लोग इकट्ठे होंगे अच्छा, जहां तक आप ये बात सुनने सुने, सुने म, आस... मैं, मैं मुझे ब्रेक लेनी जी मुझे ब्रेक लेनी है ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा ही आपसे बात करेंगे और महमूद रशीद साहब से भी जवाब लेंगे और जवाब देना चाहेंगे उनको पीएमएलएन ने क्यों नहीं दिया मुख्तर से ब्रेक के बाद जी नासिम ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद करते हैं बात हो रही है तरीके इंसाफ की सुनामी का जिक्र करें जिस तरीके से लोग उसमें शामिल हो रहे हैं और क्या दो बड़ी सियासी जमातें पी एम और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए क्या वाकई खतरा हो गए हैं इमरान खान इसी पे हम बात करते हैं शौकत बसर साहब आपने ब्रेक पे जाने से पहले यह कहा कि अब आपका असल मुकाबला जो होगा अगले इलेक्शन में तरीके इंसाफ के साथ होगा कह रहा था महमूद और रशीद साहब मैं कहूँगा कि इमरान खान साहब को मेरा मशवरा दें कि अगर आप सियासतदान अच्छा। बनना चाहते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट से जान छिड़वा लें वरना वही होगा जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ हुआ है वो आपको याद होगा जब नाइनटी नाइन में उन्होंने वो काम हुआ तो वो का... कहने लगे जी कदम बढ़ाओ मियाँ नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ कौम तुम्हारे साथ है पीछे मुड़ मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था चूंकि सब लोग इस्टेब्लिशमेंट के थे ये वक्ती तौर पर वो लोग इनको दिए गए हैं और मुझे यकीन बानिए मैं आपको दिल से ये बात रहा करूं मुझे सख्त मायूसी हुई है कि इनके पास कोई ऐसी ड्राइव मतलब ये भी वक्त सुने आने सुने पे इमरान खान को छोड़कर चले जाएंगे जैसे मियां मियाँ बन गए थे जब बनी थी एंड फिर चौधरी साहब आ गए थे तो आप, आपको भी लग रहा है कि कुछ ऐसा ही होगा इमरान खान के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा इमरान खान के पास कोई ड्राई क्लीन की ऐसी मशीन है कि जो उसमें जाता है वो कहते हैं ड्राई क्लीन को बाहर होकर आ रहा है और जितने लोग घिसे पिटे थे जो लोग तमाम पार्टियों में रह चुके जो लोग इस बात की निशानी है कि वो चढ़ते पूरज के सूरज को सलाम करते हैं उनके पुजारी हैं और जहां तक आप पीपल्स पार्टी का कह रही है सुनामी के साथ देखिए पीपल्स पार्टी को तो याहिया अयूब खान जयालक परवेज मुशर्रफ ये सब लोग मारते मारते खुद मर गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोटर है मैं आपको अब यकीन मानिए आसमा इसने प्रूव किया है क्योंकि ये शहीदों की जमात है उनके कारकुन अगर वोट डालने जाएंगे तो उनके साथ स... रहेंगे वो पीपल्स पार्टी को डालने जाएंगे जहां तक इमरान खान हम महमूद रशीद साहब से बात महमूद रशीद साहब आपने सारी गुफ्तु सुनी होगी वो ये कह रहे हैं कि स्टैब्लिशमेंट जैसे हाईजेक कर लेती है पार्टीज को तो इमरान खान के साथ भी कुछ ऐसा ही होना है क्योंकि जितने वो लोगों को ले रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार और दूसरी जाने आप भी अपनी वजाहत फरमाएंगे जो सदीकुल फारूक साहब ने कहा था सिर्फ एक बात मैं जावेद हाशमी साहब बात की थी वो और ये मेरी बात सुन लीजिए पहले तो ये है कि मैं हल्फन ये बात कह रहा हूँ सदीकुल फारूक साहब भी गौर से सुने मुझे पीएमएलएन में शमूलीत के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक एसएमएस किया जुल्फकार खोसा साहब को और सलामत हैं राजा इशफाक सरवर साहब को 2007 के अवैल की बात है और इन दोनों रहनुमाओं ने ये मेरे कुलीग रहे हैं अस्सी की अठासी की इसम्बली में नब्बे की असम्बली में इन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा जी हम आपसे मिलना चाहते हैं मैंने कहा खैरियत है कहने लगे हाँ आपसे मिलना है मेरे साथ इनकी मुलाकात हुई इन्होंने मुझे वो एस एम एस पढ़वाया जुल्फकार खोसा साहब ने कि ये बड़े मियाँ साहब का पैगाम है ये एस एम एस आप पढ़ लीजिए वो एस एम एस मैंने पढ़ा जिसमें लिखा था कि महमूद रशीद साहब से मुलाकात करके इन्हें पार्टी में शामिल कर लें तो ये तो है तो वो कहानी इसके बाद ये हुआ कि इनकी जो लोकल यहाँ पे लीडरशिप थी लाहौर की और दाएं बाएं की इन लोगों को जब पता चला कि महमूद रशीद साहब शामिल हो रहे हैं इन्होंने यहाँ पे कुछ शोर मचाया कुछ उधर फोन किए मैं स्टॉप हो गया मैंने कहा मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता और मैं इंग्लैंड जाऊंगा वहां मेरी भतीजी की शादी है उसके बाद शमूलियत का फैसला करूंगा मियाँ साहबान से मिलने के बाद जब मैं लंदन गया दो माह बाद तो वहां मैं मेरा खा नाइन्टी परसेंट जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे मेरे अजीजोकार अब उनसे जब मैंने ये जिक्र किया तो सब ने मुझे कहा कि आप ये ब्लेंडर कर रहे हैं आपको इमरान खान के साथ ज्वाइन करना चाहिए जो मुल्क में चेंज लाना चाहता है उसके पास पोलिटिकल टीम नहीं है आप आ, एक पोलिटिकल आदमी है समझते हैं मैं वहां से वापस आया इस्तारा किया जी मेरी मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए मैं वहां से वापस आके मैंने इस्तारा किया और इमरान खान मेरे घर आए और मैंने उन्हें ज्वाइन किया उन्होंने मुझे लाहौर का टास्क दिया और पिछले चार साल में हमने लाहौर में भरपूर मेहनत करके लाहौर को तहरीक इंसाफ का किला बनाया मुस्लिम लीग नून को उधेड़ के रख दिया और तीस अक्टूबर के जलसे ने साबित किया कि लाहौर शहर के अंदर तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी कुवत है यह तो है पहली बात दूसरी बात यह है जो मेरे भाई शौकत बसरा कर रहे हैं मैं यह समझता हूं कि पीपल्स पार्टी यह सुन ले और बसरा साहब भी सुन लें कि पीपल्स पार्टी की तारीख में यह पहली दफा होगा कि इनका वोटर इन्हें छोड़ चुका है वो शिफ्ट हो चुका है यह पता नहीं किस बात की ये कह रहे हैं शहीदों का नाम लेने से बार बार लोगों का पेट नहीं भरता इनकी जो परफॉर्मेंस है इन्हें तीन दफा मौके मिल चुके हैं और यह तीसरा चौथा मौका है यह चार साल से इकतदार में है यह टोटल डिजास्टर है इनका यह दौरे इकतदार आप मैं किसी तफसील में नहीं जाऊंगा लोग भूखों मर रहे हैं बिजली नहीं है गैस नहीं है महंगाई का तूफान देखें रेलवे खड़ी है पीए ए का हाल आपके सामने है ये पता नहीं किस जन्नत में रह रहे हैं कि जी वो पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं होता और पीपल्स पार्टी का वोट बरकरार मुझे बात मुकम्मल कर लेनी मुझे एक मिनट दीजिए मैं अर्ज यह करना चाह रहा हूं कि आइंदा इंतबात में ये जो इनकी ख्वाहिश है ना कि तरीके इंसाफ और ये सारे एक होंगे मैं ये समझता हूं एक तरफ तरीके इंसाफ खड़ी होगी और दूसरी तरफ ये मुस्लिम लीग एन और पीपल्स पार्टी सारे ही जिस तरह इन्होंने मिसाक की जमूरियत हो जाएगा किसी टाइप का कोई फायदा करके ये स्टेटस को के इस घिसे पिटे निजाम को जी, बचाने के लिए जी, साहब अभी भी, भी आप दोनों बड़ी जमाते मिली हुई है और इलेक्शन में भी आप लोग जो है वो मतलब उसके बाद आप भी जवाब देंगे अब आप दोनों इकट्ठे हो जाए बात यह है अभी एक बाय इलेक्शन हुआ था भावलपुर के अंदर वहां पर हमारा और काफ का एक ज्वाइंट कैंडिडेट था जिसने अभी हु पंजाब के कैंडिडेट को के तमाम वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद वहां पर शिकस्त दी है मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था महमूद रशी साहब मुझे आपका बड़ा एहतराम है हमारे बड़े भाई हैं सियासी कारकुन हैं लेकिन यकीन मानिए कि आप अभी उड़ने नहीं पाए थे तो आपके साथ तो हाथ हो गया आपके साथ मुझे पूरी हमदर्दी है आप जो तब्दीली की बात करते हैं आप इंकलाब की बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है अब किस तरह इंकलाब लेके आना चाहते हैं ये क्या ये इंकलाब होता है कि आप उन लोगों को ले आए जो हर डिक्टेटर के साथ रहे जिन्होंने हर हकूमत के साथ साथ हम साथ हम आपको एक, 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 सुनवा देते हैं बिल्कुल आप अपनी बात आपकी बात बजा बसरा साहब बिल्कुल आप इसी पे बात भी करेंगे हम एक आपको सौर सुनाते हैं शाह महूद कुरेशी साहब का फिर आपसे मैं इस पर बात भी करूंगी आप पहले वो सुन ले वो क्या कहते हैं अपनी इस कारगर्दी की वजह से खुद गड़े में गिर रही है जी बसरा साहब ये बाप के पुराने साथी हैं वो यही कह रहे हैं कि आप अपनी अपनी हरकतों की वजह से खुद गड़े में गिर रहे हैं कोई आपको गिरा नहीं रहा इनको इनको ये बातें وزارت जाने के बाद याद आई अगर ये पहले याद आ जाती तो हम भी समझते कि इनका ज़मीर आप इनके मशवरे पे अमल कर हम मशवरे पे अमल कर लेते देखें बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि एक हिस्ट्री है हम लोग एक ये नजरियाती जमात अगर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ये लोग पार्टी नजरियाती पीपल्स है तो नजरियाती जमात है नजरिया पाकिस्तान में तब्दीली क्यों नहीं लाता अगर इतनी बड़ी बड़ी तीन बड़ी सियासी हैं जो नजरियाती जमात हैं तब्दीली क्यों नहीं लाती करूंगा जी बात आप बात करें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है जैसे बसरा साहब ने जिक्र किया पीपल्स पार्टी को वाकई जियाला खत्म नहीं कर सका या और मुस्लिम लीग नून को परवेज मुशर्रफ खत्म नहीं कर सका, नहीं कर सका। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज खुद और उनकी लीडरशिप अपनी पार्टियों को खत्म करती है हम गलती करेंगे तो हमारी पार्टी खराब होगी पीपल्स पार्टी ने खराबियां की हैं और आप जो कुछ आसिफ जरदारी साहब कर रहे हैं पीपल्स पार्टी पर उसके नेगेटिव असरात पड़ रहे हैं तो अगर वो संभालना जो भी पार्टियों को संभालना चाहे लीडरशिप को पार्टी के अंदर जमूरियत लानी होगी लीडरशिप को पीपल्स पार्ट अपनी पार्टियों के अंदर से लेकिन और सुने ना सुन पार्टी के अंदर जमूरियत लानी होगी आपकी पार्टी के अंदर ऐसा क्या था जब जावेद हाशमी जैसा नजरियाती इंसान आपको छोड़ के फिर इसकी देखिए फरमाएं जब आप नजरिए की बात करते हैं और डेमोक्रेसी की बात करते हैं और डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए पार्टीज में फिर इतनी हाशमी जैसा नजरियाती इंसान आपको क्यों छोड़ वर्कर लेवल पे या जावेद हाशमी के लेवल पे और मेरे लेवल पे भी नहीं होनी चाहिए और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के लेवल पे भी नहीं होनी चाहिए अगर जावेद आशमी साहब यह कहें कि मुझे आपने क्यों नहीं बनाया लीडर ऑफ द अपोजिशन और फिर उसके ने, बाद ये का, नहीं कहा मुझे मालूम है ना यह सारा झगड़ा मुझे मालूम है यह झगड़ा मुझे मालूम है इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि बिल्कुल पार्टियों के अंदर इस वक्त तक पाकिस्तान बार बार के मार्शल लॉ की वजह से पार्टियां तो ऑर्गेनाइज भी नहीं है और पार्टियों के अंदर किसी पार्टी के अंदर कोई मिसाली जमहूरियत नहीं है इसमें तो शक नहीं है कोई ये चीजें लानी पड़ेंगी चले लानी और पड़ेंगी फिर बात और आप, करूं। आप भी अपनी जमात में में मैं, मैं मशवरा देगी दे दोनों जमात मुझे पीपल्स पार्टी को भी मशवरा होगा वो किसी किसी नजरियाती कारकुन को आगे लेके हैं उसके हाथ में अपनी बात आप भी अपनी जमात की कोई नजरियाती कारकुन आगे लेके आए कोई नजरियाती है पार्टी बनाएंगे तो जो बेदारी पैदा हो चुकी है पार्टियों के अंदर जो बेदारी ओवरऑल कौम में पैदा हो चुकी है ये मारूसियत खत्म होनी चाहिए बिल्कुल इसी पे इसी पे हम मजीद बात करें मुझे ब्रेक लेनी है मरूसियत की बात करें खत्म होनी चाहिए तो फिर जो बड़ी सियासी जमातें है उनमें तो मरूसियत भर भर के सामने आ रही है और किन किन के हम नाम ले जो उनके साहबजादे हैं जो इस वक्त मुख्त सियासी जमातों की हम बात कर रहे हैं पार्टीज की बाग दौड़ संभालेंगी तो क्या नजरियाती वर्कर्स नजरिया कारकुन जो है उनकी क्या जगह नहीं होती सियासत में इसी पे मज़दीद बात करेंगे और जो बड़े तादाद में इस्तीफे भी आ रहे हैं इमरान खान को लोग ज्वाइन कर रहे हैं असम्बली से रेजिग्नेशन भी आ रहे हैं तो क्या हुतनी बड़ी तैदा में बाई इलेक्शन कर पाए गी या नहीं कर पाएगी इस पे बात होगी एक प्रोसेस से ब्रेक के बाद जी नाजरीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश हमदेद करते हैं बात हो रही है पार्टी में मोरूियत के हवाले से सदीकुल फारूक साहब क्या हमजा शहबाज शरीफ के क्या क्रीडेंशियल हैं कि वो पार्टी की सरबराई संभाल लें बिलावल भुटो जरदारी में ऐसा क्या है कि वो पीपल्स पार्टी को संभाल लें सदीकुल फारूक क्यों नहीं आगे आ सकते शौकत बसरा आगे क्यों नहीं आ सकते आप जैसे नजरियाती लोग क्यों नहीं सामने आते और आपके हवाले से भी मैं बात करूंगी आपको भी तो अच्छा खासा निगलेक्ट किया जा रहा है कुछ खबरें आपके बारे में भी आ रही हैं आप भी जल्द तरीके इंसाफ में जा रहे हैं मुझे हंसी आ रही है देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ

आप बड़ी बहादुरी से मुजायर का मुजाहरा कर रहे हैं और अपना ख्याल रखें तो यही तो, बात नहीं नहीं मैंने मिया साहब से कहा ना मैं आज भी कहता हूं शायद ये प्रोग्राम भी सुन रहे हो कि मिया साहब आप पर कोई एहसान नहीं है आप ना भी होते तो मैं यही करता मुझे अल्लाह ने जमीर दिया है मैं जमीर के मुताबिक क्यों नहीं दिया जाती मैं हवा के दोष पर उड़ने वाला तिंका नहीं हूं आसमा मैं कोई मुर्गे बाद नुमा नहीं हूं काश काश इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट का आदमी ना होता और उसकी पार्टी में एस्टैब्लिशमेंट लोग ना बे और वो सच्ची अगर पार्टी होती और इमरान खान जो है वो छोटे घर में रहता और उसके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे होते मैं ज्वाइन कर लेता लेकिन मुझे तो कोई ऐसी पार्टी सच्ची बात है नजर नहीं आ रही अब हम ये कोशिश करेंगे कि अपनी पार्टी की असलाह मजीद करें हम दरख्वास्त करेंगे कि पार्टी के अंदर अब हमजा शहबाज शरीफ की या बिलावल की बात आपने की है अब वाकई ये बादशाही का दौर नहीं रहा है हमें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैदना सिदी के अकबर सईद उमर फारूक को फॉलो करना चाहिए कि उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को अपनी जगह खलीफा नहीं बनाया था ना रसूल्ला वलम ने अपने किसी अजीज को नामजद किया था खुलफा ने हमें थी। थी। तो जो लोग जिदोजो कर रहे हैं उनको आगे ना है। उनको आगे लाना चाहिए लेकिन मेरी जात के हवाले से छोड़ें मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूं मैं तनकीद करता हूं तनकीद करता रहूंगा मैं बात करता रहूंगा रहा हूँ पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद है मुझे शौकत बसरा साहब अगर ये वजह फरमा दे इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे आ रहे हैं मारवी मेवन ने इस्तीफा दे दिया यहाँ से जो बाकी जहांगीर तरीन है लगारी बरादरान है उनके इस्तीफे भी अभी सामने आने हैं जो इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे आएंगे तो आप लोग बाई इलेक्शन कराते जाएंगे साथ साथ देखें जो आयन कहता है जो कानून कहता है उसके मुताबिक बिल्कुल करेंगे क्योंकि हम ना तो डिक्टेशन लेते हैं और ना ही माफीनामे लेके बाहर जाते हैं हम तो वो हैं जो डट जाते हैं

वो जो मैसेज दिया है मैं पर, वो बात सुन ले सुन अगर दिया गया होगा तो हमें मेरी, नहीं दिया गया बात कर रही हूँ कि आप लोगों की जिदोजह पार्टी के अंदर आप लोगों को कुर्बानियां है तो आप जैसे लोग क्यूँ आते मेरी मेरी सुन ले की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके अंदर आज प्राइम मिनिस्टर है वो सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब है जो की एक कारकुन थे वहां से मुल्तान से और उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया गया हमारी कोई लिमिटेड फर्म नहीं है ये जो आज जावेद हाशमी साहब का स्टेप है जावेद हाशमी साहब और शाह महमूद लगारी में बड़ा फर्क है वहां पर लोग एक वहां पर लिमिटेड फर्म है जहां मियां बरदरा ने एक सिविल अमरीय की वजह से आज ये उनके खिलाफ रिवोल्ट हो रहा है और ये स्टेब्लिशमेंट के लोग थे बाकायदा जहां ने दोबारा कहा ये वहां जा रहे हैं बाकी एक बात बताऊं मुझे हामिद मीर साहब की एक बात बड़ी पसंद आई है उन्होंने कहा है जी कि वहां भी यही बात की जा रही है इस्लामाबाद में और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है वो यही बड़ा लाउड और क्लियर है कि हम लोग ये उन्होंने आर्मी को जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर साहब मैं ने। बताता हूं किनको जवाब दिया है वो उनको जवाब दिया है जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान बा, और जमहूरियत इकट्ठे नहीं चल सकते आप बा, बड़ी बड़ी बाखबर लेकिन है। ब, सुने, सुने। ब, 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 नहीं मैं तो बाखबर हूँ लेकिन मुझे तो ऐसी कोई खबर नहीं कि हमें किसी ने आके कहा कि जी आप मरूसियत पे बात करें या नहीं नहीं आपने आपने फिर ये वजात करूँ लेकिन ये ये बताऊँ अगर जो प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ हाउस पे खड़े होकर जब ये सवाल करते हैं की जी छह साल से उसामा यहाँ किस वीजे पे किस पासपोर्ट पे रह रहा है तो ये फिर वो सवाल किससे करें वो एजेंसी से ही सवाल करेंगे जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं या फिर आर्मी से सवाल करेंगे मेरी, ऐसा सवाल अमेरिका ने भी किया था आपसे मेरी जरा गुजारिश सुन लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात कही है वो मैसेज बहुत क्लियर है कि कोई काम ऐसा नहीं होने दिया जाएगा कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है जिसके ताबे तमाम ادارے चल रहे हैं वहां पर ये जो बात हो रही है आज और उसका बाकायदा अगर हामिद मीर साहब का बयान उनको बुला लें उन्होंने कहा कि जनरल कियानी साहब मुझे बुलाएं मैं बताऊंगा कि कौन कौन से उनके इर्द गिर्द जो जनरल से बुला के उन्हें कहा गया कि आज अब बिलावल भुट्टो जरदारी का अब हमजा शहबाज शरीफ का इनका तो साहब आप क्या जवाब देंगे तो जाते हैं जी 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 मैं मैं ये समझता हूँ कि ये जी आज के दौर में ये बात नहीं चल सकती ये जो कौम उठ खड़ी हुई है खास तौर पे जो इस मुल्क की नौजवान नस्ल है वो अपनी आँखों से ये देख रही है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो बाहर उनकी स्कूलिंग है बाहर वो पले बड़े हैं ना इस मुल्क से वाकिफ ना उन्हें ज़ुबान आती हैदारी साहब जाते हैं उन्हें ला प्रेसिडेंसी में यहां पर बैठा दिया जाता है और यहां 40-40 साल के पुराने सीनियर लोग उनके सामने सर झुकाए बैठे हैं ये काबिले शर्म बात हाँ है ये अब नहीं चलेगी और मैं ये समझता हूं कि इसी तरह से ये जो मुस्लिम लीग एन के अंदर मरूसी सियासत है खत्म होना पड़ेगा और मैं दूसरी शौकत बसरा साहब मुझे बात कर ले मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया प्लीज दूसरी बात जो है ना वो शौकत बसरा जो ये मारूसियत के हवाले से तो ये किसी सूरत ये काबिल कबूल नहीं है ना मुस्लिम लीग एन के अंदर यह बात चल सकती है माजी में मैं ये समझता हूं मुस्लिम लीग एन को अपनी गलतियों का खुद एहसास करना चाहिए अपनी गलतियों का उन्हें जायजा लेना चाहिए अपनी इसलाह करनी चाहिए सात आठ लोग मुस्लिम लीग एन के घर के बंदे जो बांजे भतीजे दामाद हैं वो सारे एम एन एम पी ए बने हुए हैं

अब जो ताजा सूरत अगर आती है तो इस पर पार्टी दोबारा बैठ के फैसला करेगी मैं आपसे यह करना चाह रहा था कि शौकत बसरा साहब बड़ी बात करते हैं यहां पर चैंपियन बने हुए हैं कि जी हमारी पी पार्टी ने तो बड़ी जद्दोजहद ज़्द की है एक काले कानून के जरिए एन आर ओ के जरिए के ऊपर इनकी हुकूमत बनी और वो जो डिक्टेटर जिसके खिलाफ ये जद्दोजहद ज़्द की बात करते हैं उन्हें इन्होंने गॉड ऑफ ऑनर पेश करके बड़े बाइज्जत तरीके से परवेज मुशर्रफ़ के इस मुल्क से रिक किया इस मुल्क का बेड़ा गर्व कर दिया पिछले चार सालों में देखिए मुझे बात करना दीजिए मिया महमूदुर रशीद साहब भाई इलेक्शन लड़ेंगे आपने कहा कि पार्टी फैसला करेगी पहले नहीं था अब फैसला करेंगे फैसले जल्दी जल्दी जी जल्दी मैं ये, ये कह रहा हूं कि अभी तक का पार्टी का ये फैसला है कि ये जो बोगस वोटर लिस्टें हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में आके ये कहा है कि इसमें आपको जो है वो बोगस वोटर है तो इसके बाद पार्टी ने यह फैसला किया था कि जब तक से वोटिंग नहीं होती हम बाई इलेक्शन का जो है वो यह हिस्सा इसमें नहीं लेंगे अब अगर जो अस्तीफे ज्यादा आ रहे हैं तो इन इस्तीफों की वजह से अगर ज्यादा सीटें खाली होंगी तो फिर पार्टी आइंदा चंद दिनों के अंदर बैठकर पार्टी के सेंट्रल एग्जेकटिव इस पर सोचेगी और फिर कोई फैसला करेगी कि आया हमारा पिछला फैसला जो है वही बहाल रहता है आइंदा जिम्मे इलेक्शन में नहीं 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 या कोई नया फैसला जो है ना वो हम करते हैं खामोश आप सवाल कर लें जरा आप जी जी आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बसरा साहब ने तो अखबार नवीसों पर यह इल्जाम लगा दिया मैं कहता हूँ उन्होंने कहा है कि हमें क्या साहब जब बुलाएंगे हम बताएंगे कि कौन कौन से लोग ये कहते हैं कि जमहूरियत अच्छा और ठीक पाकिस्तान एक नहीं चल सकते हैं नहीं, अगर एक नहीं, आप नजरियाती जमात को सपोर्ट करते हैं लोग वोट डालते हैं किसी के कहने से मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तान में किसी को किसी को सपोर्ट क्या एक मिनट बसरा साहब दो मिनट बाद बात कर लेना फारूक जी जी बात यह है ये कि मारूसियत हो या जमहूरी अकदार की सियासी जमातों के अंदर कमी हो ये वो हकायक हैं जो सबको मालूम है तो मैं समझता हूँ कि जनाब नवाज शरीफ जिन्होंने स्टेटस को तोड़ा जिन्होंने यहाँ ओपन मार्केट इकानमी का जो है डील डाला जिन्होंने यहाँ से वी कल्चर को ख़त्म किया जिन्होंने यहाँ और और अमेरिकी डिक्टेशन को मुस्तरद के एट एटमी धमाके किए मैं समझता हूँ उनमें यह सलाहियत है कि वो पहल करें और अपनी पार्टी के अंदर जो मौरूसीत अगर मौजूद है और नजर आ रही है तो और जमहूरीत जो है तो इन हवालों से सबसर, वो इनोवेटिव और ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच अगर इख्तियार करेंगे तो मैं समझता हूं बाकी पार्टियां भी पीछे चलेंगी मैं तो उनसे अपील करूंगा कि आगे बढ़ें और ये काम आप पहले कर डालें चले आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं और लेकिन अभी आप अप्रिशिएट करते हैं आसमा गुजारिश ये है हम सुधीर फारूक साहब की इस बात को मैं ये समझता हूँ की सुधीर फारूक साहब की इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन्होंने ये बहुत अच्छी बात की है और हम सब लोगों को मिलजुल के हमारी जो सियासी पार्टियां हैं उनको सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि इकतेदार ये ये सारा कुछ आता जाता रहेगा मैं इन दोनों पार्टियों से और ख़ास तौर पर ये जो नए नए लोग शौकीन लोग मैदान में आए हैं इनसे ये कहूंगा कि आपके साथ जो हाथ हो रहा है इससे जरा अवेयर साहब आपको ये जो जिस टीम के आप खिलाड़ी हैं ना आप तो एक अभी कहते हैं ना आप बासर मारते हैं और कभी कहते हैं गुगलियां है, मारते हैं मेरा ख्याल कहता है कि आपका बाउंसर भी लग चुका है गुगली भी लग चुका है और आपके साथ जो आपके साथ जो टीम आ गई है ये आपके साथ नहीं रहने वाली कोई नई चीज आई तो ये आपको छोड़ के भाग जाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया महमूद रशीद साहब से बिल्कुल फारूक साहब शौकत बसरा साहब आज की, आ, के रियलिटी के हवाले से बात हुई और जावेद हाशमी साहब की ज्वाइन करने के हवाले से भी बात हुई तरीके इंसाफ और क्या वाकई तरीके इंसाफ जिस तरीके से इमरान खान कहते हैं ये सुनामी अब बहाकर ले जाएगा लेकिन बहुत सारे तहफा भी सामने आ रहे हैं शौकत बसरा साहब कह रहे हैं कि ये सोनामी कहीं इमरान खान को ना लेट डूबे इस पर कल भी हम बात करेंगे इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज